मास्क ना एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल, अवाम की लापरवाही से बड़ा नुकसान। कातिल वायरस 24 जाने ले गया, 24 घंटों में मजीद 290 केसेस रिपोर्ट। पुलिस के 38 अहलकार भी शिकार, खुद को क्वारंटीन कर दिया। नैब ने ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया। लीगिरा नुमा पर 22 करोड़ रुपए की बेजाबती का इल्जाम। नैब राहदारी रिमांड के लिए कल रावलपिंडी एहतसाब अदालत पेश करेगी, मंजूरी के बाद लाहौर लाया जाएगा। साफ सुथरा लाहौर के दावे किरची किरची, कूड़े के अंबार बनने लगे पहाड़। ग्रीन टाउन या कचरा टाउन, पीको रोड कूड़े के ढेर में छुप गया। विफाकी कॉलोनी में वेस्ट कंटेनर उबल पड़े। जौहर टाउन के A1 ब्लॉक में A1 गंदगी। आम शाहराहों चौक चौराहों पोश इलाकों में भी ताफुन का बसेरा। आमिर रोड शादबाग पर अपनी मददात के तहत सफाई मुहिम का आगाज। 10 रोज बाद इंतजामिया को भी होश आ गया, शाहजहां से कचरे की सफाई। सफाई बहरान पर बड़ा ब्रेक थ्रू, हाईकोर्ट का तुर्क कंपनियों को गाड़ियां वापस करने का हुक्म। 31 दिसंबर तक अलबराक और रोजबाग सफाई की जिम्मेदार करार। जस्टिस शाहिद करीम का LWMC को गाड़ियां इस्तेमाल ना करने का भी हुक्म। रिमार्क दिए, ये नहीं हो सकता कि गाड़ियों को कमिश्नर DC के जरिए कब से मिले। फरीकैन तनाजे में बैठकर हल किया जाए। LWMC और अलबराक के मुलाजमीन आमने सामने, फिरोजपुर रोड वर्कशॉप से सामान ले जाने पर झगड़ा। LWMC के ड्राइवर ने अलबराक वालों पर गाड़ी दौड़ा दी। स्टोर से नई बैटरियां, स्पेयर पार्ट्स और कंप्यूटर चोरी करने का इल्जाम। सब्सिडी की वापसी, बिजली का नया झटका। 300 यूनिट तक के 25 लाख लेस्को सारिफिन की फी यूनिट कीमत में 15 पैसे का इजाफा। 1300 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों 12 लाख सारिफिन फी यूनिट 18 पैसे भरेंगे। वसूली का सालाना हुजम करोड़ों में होगा। बिजली कंपनी की दादागिरी, डिफेक्टिव मीटर्स के नाम पर सारिफिन से करोड़ों की वसूली। हजारों लाहौरियों को इजाफी बिल मौसूल। 23,271 सारिफिन के मीटर्स पर डिफेक्टिव कोड। 22,550 सारिफिन के मीटर्स खराब करा दे दिए गए। अशा खुरनोश महंगी, वजह खाम माल की बढ़ती कीमतें करार। घी, साबुन में इस्तेमाल होने वाला फैटी एसिड, पाम ऑयल 50% महंगा। टेक्सटाइल डाइस की कीमतें भी 15% तक बढ़ गयी। कंटेनर मालिकान ने किराए बढ़ा दिए, 3 माह में कीमतें कहां से कहां चली गईं। इंपोर्टर्स की दुहाई। शाहदरा वालों के लिए ट्रैफिक जैम से निजात का पैगाम। सिग्नल फ्री शाहदरा चौक के लिए फ्लाईओवर अंडरपास का डिजाइन तैयार। 5 अरब 20 करोड़ लागत के मंसूबे के लिए फंड विभाग से मांगे जाएंगे। वज़ीर-ए-आला का LDA को ग्रीन सिग्नल, सिफारिशात तैयारी की हिदायत। उधर आलमी बैंक से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का फंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटियों को मंजूर। चौसठ हाउसिंग सोसाइटीज लाहौर के पार्क हड़प कर गयी। हाईकोर्ट में LDA का इतराफ, पार्क्स पर तजावजात। ग्रीन बेल्ट पर हाउसिंग सोसाइटियां, ये क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के सख्त रिमार्क्स। LDA को जवाब के लिए 18 जनवरी तक की मोहलत। रेलवे अफसरान के कमरे लश पश, मुलाजमीन के दफातर खस्ता हाल। पानी से टपकती छतों, टूटी दीवारों और खस्ता हाल दफातर में बैठने पर मजबूर। DS ऑफिस खंडरात का नजारा पेश करने लगा। दोमोरिया पुल चौक में गटर उबलने लगा, दुकानदार परेशान, राहगीरों को भी मुश्किल। शहरियों का हुकाम से फौरी मसले के हल का मुतालिबा। मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन रेवेन्यू अहदाफ के हसूल में नाकाम। 1 अरब 12 करोड़, 18 लाख का हद था, सिर्फ 79 करोड़ 5 लाख ही इकट्ठा हो सके। 22 में से सिर्फ 2 सराय ही आमदन हासिल कर सके हैं। गाड़ियों की जाली नीलामी, 300 अरब रुपए का मेगा स्कैंडल। एंटी करप्शन का एक्शन, डायरेक्टर एक्साइज रिजवान अकरम, मोहम्मद आसिफ, सुहेल अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारियों के लिए छापे, 4 डायरेक्टर
3 DEO, 6 DEO समेत 18 अफसरान लिस्ट में शामिल। सेल्स टैक्स की अदम अदायगी, FBI ने बदामी बाग स्टील मिल्स पर एम्बार्गो लगा दिया। बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की तैयारियां, स्टील मिल्स को आरसी तौर पर तिजारत से भी रोक दिया गया। मनमानी नहीं चलेगी, प्राइवेट तालीमी इदारों के गिर्द घेरा तंग। पहली ता आठवीं जमात तक दर्सी कुतुब की मंजूरी लाजिम, पब्लिशर्स को किताबों की क्लियरेंस के हवाले से NOC लेना होगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने मरासा लिख दिया। काम टके का नहीं और अखराजात करोड़ों में, पंजाब लाइब्रेरीज फाउंडेशन के अफसरान की शाखर्चियां। स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों की गाड़ियां आ गई, 3 साल से घर बैठे एजाजियां वसूल करने का इल्जाम। सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज ताहिर यूसुफ कहते हैं मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। गाड़ियों की खरीदारी एजाजियां देना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इख्तियार है। हद ऊंचाई से ऊंचा शीशा अंडरपास से ले जाने की कोशिश नाकाम, FC कॉलेज अंडरपास पर गाड़ी में रखा शीशा इतलाई बोर्ड से टकरा गया। किनार रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक जैम हो गया। खबरदार होशियार, धोखेबाजों के फरेब में ना। नवाकोट पुलिस ने इनाम का लालच देकर लूटने वाले 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गैर मुल्की शहरी गिरोह का आसान हक, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद। कारकर्दगी जीरो, बनने चले हीरो। लाहौर पुलिस को कारकर्दगी नहीं, इमेज बेहतर बनाने की फिक्र। जराइम पर कितना कंट्रोल किया, तशहीर का फैसला, वजारत इत्तला से मदद मांग दी गयी। हुकूमती तनकीद की जद में तर्जमानों ने हाँ कर दी। पुलिस की कारकर्दगी का तकाबली जायजा लिया जाएगा। गैलप सर्वे में अहलकारों के रवैये, शिकायत के अजाले और दादरसी का पूछा जाएगा। फाइव जी के दौर में जेल सिक्योरिटी का फरसुदा निजाम, कैंप जेल में पेट्रोलिंग साइकिल पर होगी। एहलकार बैरूनी दीवार का चक्कर 20 मिनट में पूरा करेगा। 8,000 की साइकिल मोटर बाइक खराब होने पर खरीदी गई। बाहमी तावन के लिए हिकमत अमली वजा करेंगे प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब राणा आरिफ कमान की गुफ्तगू। झींगे और मछली फार्मिंग के लिए बजट कम पड़ गया, हुकूमत पंजाब का आलमी बैंक से मदद लेने का फैसला। आबी ज़रई शोबे के लिए मजमूई तौर पर 9 अरब रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया जाएगा। सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून की क़यादत 2 हिस्सों में तकसीम। जनूबी पंजाब के रहनुमा इलेक्शन में हिस्सा लेने के हामी, वसी पंजाब की क़यादत शदीद मुखालफत। फैसला PDM इजलास में होगा। मरियम नवाज ने गड़ी खुदा बख्श जाकर नून लीगी कारकुनान का नजरिया जख्मी किया। मौलाना फजलुर रहमान की जमात तितर बितर हो रही है, PDM का बयान यह 9 तो 11 हो जाएगा। फिरदौस आशिक का तंज, कहा स्पीकर की आंखें ऑपोजिशन के इस्तीफों की मुंतजर हैं। वजीरे कानून राजा बिशारत की जेर सदारत इजलास, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 पर तबादला ख्याल। पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट का मसौदा भी मंजूर। हुकूमत और ऑपोजिशन की सियासी महातराई, आम आदमी मुतासर। पंजाब असेंबली से 2018 में मंजूर होने वाले सिख मैरिज एक्ट के रूल्स ऑफ बिजनेस ना बन सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास, डेप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। आटा, चीनी, घी और अंडों की कीमतों और दस्तयाबी का जायजा लिया गया। पंजाब सिविल ऑफिसर्स मेस का वाजिबात की अदम अदायगी पर एक्शन, 33 से ज्यादा ऑफिसर्स की मेंबरशिप मंसूख। अदायगी न करने वाले रिटायर्ड अफसरान पर भी दरवाजे बंद। अहले सुन्नत उलमा फोरम के तहत सेमिनार, जामिया मंजूरुल सलामिया ईदगाह में एहतमाम। मौलाना जियाउल काफी, मौलाना असदुल्ला फारूक, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की शिरकत। हाफिज शेबुर रहमान काफी, मौलाना इब्राहिम, मौलाना मोहम्मद यूनस हसन और दीगर का इजहार ख्याल। 9 लखा चर्च में बैलन मजार में कॉन्फ्रेंस, सूबाई वजीर इंसानी हकूक इजाज़ आलम ऑगस्टन महेंद्रपाल सिंह की शिरकत।
डॉक्टर मजीद इबर की सालगिरह का केक भी काटा गया। पीसी होटल में पंजाब ह्यूमन राइट्स पॉलिसी पर इजलास, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एरोन सिमर्स की पाकिस्तान में ट्रेनिंग का आगाज। और चौधरी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट, सिटी जिमखाना क्लब ने गोल्डन स्टार को 19 रन से हरा दिया। सिटी जिमखाना की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई।